नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल अब मैदान में कूद चुके हैं। लगभग उनकी जो तैयारियां हैं अब पूरी हो गई है। उन्होंने अपने पहले चरण के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो भी जारी कर दिया है। अब जो चुनाव प्रचार के लिए, इस बार के जो बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 13 में से 6 हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। बाकी के जो 7 हेलीकॉप्टर हैं अगले 2 दिनों में पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि शनिवार से इन हेलीकॉप्टरों की उड़ानें जो है वो शुरू हो जाएंगी। इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर है वो बीजेपी की तरफ से हायर किया गया है। बीजेपी ने अपने लिए 5 हेलीकॉप्टर इस बार के चुनाव प्रचार के लिए हायर किया है। वहीं राजद के 2, कांग्रेस के 2, लोजपा के 1, वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो 1, और जाप के लिए 1 हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए हायर किया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और जो लोजपा है वो अपने हेलीकॉप्टर के लिए जो डील है वो पूरी कर ली है। वहीं जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, वो भी हेलीकॉप्टर के डील करने के लिए कवायद जो है उनकी तरफ से जारी है। क्योंकि इस बार का जो कोरोना संक्रमण का दौर है तो चुनाव प्रचार ऐसे में पिछले सालों से थोड़े अलग होने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो भी चुनाव प्रचार होगा उसमें चुनाव आयोग ने साफ हिदायत दी है कि फिजिकल जो प्रचार है वो कम किया जाएगा और विजुअल के माध्यम से ज़्यादा प्रचारें की जाएंगी। इस वजह से इस बार हेलीकॉप्टर के जरिए जो चुनाव प्रचार है वो किया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए जो हेलीकॉप्टर की जो हायर है वो कम की गई है। इस बार के चुनाव में केवल 13 हेलीकॉप्टर ही चुनाव प्रचार के लिए हायर किया गया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।